हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो आपकी हेयर क्वालिटी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत इम्प्रूव कर सकती है। अब ये चीज़ हमें दिखने में बहुत छोटी लगती है और लगता है हमें इनका कुछ फ़ायदा होगा नहीं, पर अगर हम इन चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो हमारी लिटरली हेयर क्वालिटी को यहाँ से यहाँ पहुँचा सकती है, बट ओनली इफ़ यू डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूसली। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता ही क्या करना है। सो द फर्स्ट थिंग्स के बारे में आज हम बात करेंगे वो है गिव योर हेयर सम रेस्ट। आपको अपने बालों को शैम्पू, कंडीशनर, हेयर प्रोडक्ट से रेस्ट देना है। जो आपके बालों के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है वो है सीबम, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? सीबम एक नेचुरल ऑयल है जो आपकी स्कैल्प और हेयर प्रोड्यूस करते हैं, तो आप जितनी बार भी कंडीशनर या शैम्पू करते हो उतनी बार वो नेचुरल ऑयल आपकी स्कैल्प से हट जाता है। अगर आप रोज़ या हर दूसरे दिन शैम्पू कर रहे हो तो सुनो, आपकी पिच बहुत जल्दी साफ होने वाली है दोस्त। अगर आप फिर भी अपने बालों को सेट करने के लिए हेयर वैक्स और हेयर जेल यूज़ करते हो तो मेक श्योर आप उसको एक लिमिट में यूज़ कर रहे हो, मैक्स टू मैक्स 1 से 2 बार महीने में, उससे ज़्यादा बार यूज़ मत करना। और जब भी आप यूज़ करो और आप उस इवेंट या पार्टी से लौट कर आओ तब उन्हें वॉश करके फिर ही सोना, उससे पहले मत सोना। अगर आप उन केमिकल्स को निकाल के नहीं सोते हो तो क्या होगा? तो होगा ये कि आपने जो केमिकल्स लगाए हैं वो आपकी हेयर एंड्स पे आपकी हेयर ग्रोथ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे, आपके बाल ज़्यादा टूटेंगे और आप अपना ड्रीम लुक शायद कभी अचीव नहीं कर पाओगे। सो द नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है मसाज योर स्कैल्प एवरी डे। मतलब रोज़ सिर्फ उस दिन नहीं जिस दिन आप तेल लगा रहे हो, रोज़ 5 से 10 मिनट कोई मूवी देख रहे हो, कोई सॉन्ग सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि आप अपने स्कैल्प को मसाज कर रहे हो 5 से 10 मिनट दिन में। रोज़ स्कैल्प को मसाज करने से होगा क्या? होगा ये कि जब आप अपने स्कैल्प को मसाज करोगे तब आपके उस पोर्शन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो आपके जो हेयर एंड्स होते हैं, मतलब जो टिप होते हैं, वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स कैरी और अच्छे से होंगे। और जब आपके टिप्स तक न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से कैरी होंगे तब वो आपकी हेयर ग्रोथ को और प्रमोट करेंगे और आपके बाल और घने से बड़े होंगे। घने कैसे? अब जब आप स्कैल्प पे मसाज करते हो तो उससे न्यूट्रिएंट्स कैरी होते हैं आपकी हेयर एंड्स तक, मतलब जो आपके बालों के टिप होता है उस तक, और जब आप वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स को कैरी करवाते हो तब वो आपकी हेयर ग्रोथ को और प्रमोट करता है। इसलिए स्कैल्प मसाज लीड्स टू मोर न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन विच लीड्स टू लॉन्गर एंड डेंस हेयर। अब इस चीज़ का बेनिफिट आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखेगा। ऐसा नहीं कि आपने कल रात को मसाज करी और आज सुबह उठ के आप इंस्टाग्राम रील बनाना चाह रहे हो कि हाउ डिड आई गो फ्रॉम दिस टू दिस, नहीं होने वाला। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वॉश योर हेयर प्रॉपरली। अब ये वापस सुनने में बहुत छोटी चीज़ लगती है, हमें लगता है ये तो हमारा एवरीडे रूटीन में आता है, पर अगर आप अपने बालों को अच्छे से नहीं धो रहे हो तो आप अपने बालों की मैक्सिमम पोटेंशियल को टैप नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो सबसे पहली चीज़ है आपको शैम्पू को इवनली लगाना है, कहीं कम नहीं कहीं ज़्यादा नहीं, और जो आपकी एक्चुअल स्कैल्प है उसके ऊपर लगाना है। नेक्स्ट चीज़, मेक श्योर यू आर यूजिंग सल्फेट एंड पैराबेन फ्री शैम्पू। जब भी शैम्पू ले रहे हो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में देखो कि उसमें सल्फेट और पैराबेन तो नहीं है। ये दो केमिकल्स आपकी ओवरऑल हेयर लाइफ और क्वालिटी के लिए सबसे ख़राब माने जाते हैं, तो मेक श्योर यू आर अवॉइडिंग देम। अब जिस तरह आप ऑयलिंग करते हो सेम उसी तरह आपका अपने बालों को धोना भी है। स्मॉल सर्कुलेशन मोशन में हाथ चलाओ और धीरे धीरे करो, ज़्यादा तेज़ी से मत करो। आपका हेयर वॉश हो चुका है, उसके बाद आपको थोड़ा सा कंडीशनर लेना है, हाथों पे इमल्सीफाई करना है, और इस बार कंडीशनर को आपको अपने हेयर बॉडी के एंड्स पे जहाँ पे बाल ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे लगाना है। वहाँ पे क्यों? क्योंकि वो हमारे बालों का सबसे पुराना पार्ट होता है और अक्सर वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स कैरी नहीं हो पाते हैं। अब कंडीशनर लगा लिया, उसे 5 मिनट छोड़ दो, अल्ताफ राजा सुनो, डिनचैक पूजा सुनो, कुछ भी करो, ना वॉश योर हेयर। तो अगर आप इनमें से कुछ भी गलत कर रहे थे तो आप अपने बालों के फुल पोटेंशियल को नहीं देख पा रहे थे। मेक श्योर यू फॉलो दीज स्टेप्स एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर हेयर। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है लर्न टू कवर योर हेयर। अब आपने ऑयलिंग कर ली, हेयर मास्क लगा लिया, शैम्पू कंडीशनर कर लिया, पर क्या फ़ायदा अगर आप अपने बालों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो? देखो, जब आप हेयर ग्रोथ कर रहे होते हो तब आपके बाल लंबे हो जाते हैं क्या? जब आप अपने बालों को ऐसे खुला छोड़ देते हो तो एनवायरनमेंट में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपके बालों में लग जाते हैं, जो आपकी ओवरऑल हेयर क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। अब करना क्या है, आप जब भी बाहर जा रहे हो आपको अपने बालों को बांधना है इन द सेंस, जब आपके बाल छोटे हैं तब आप कैप पहन सकते हो, जब थोड़े बड़े हो जाए
तब उसे पिन से टाई अप कर लो, पर किसी भी तरह उन्हें बांधो ताकि उनके एंड्स में और उनके बीच में डस्ट पार्टिकल्स नहीं जा सके। अगेन ये बहुत छोटी चीज़ थी पर हम अक्सर इसे निगलेक्ट करते हैं। अगर आप इस छोटी सी चीज़ को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलो करते हो तो आई गारंटी यू, क्योंकि जब आपके बालों में धूल या मिट्टी ही नहीं जाएगी तब आप सोचो आपकी हेयर क्वालिटी कितनी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो अपनी हेयर ग्रोथ की जर्नी को शुरू कर रहे हो।